दयापर मध्य लखपत तालुका कड़वा पाटीदार समाज द्वारा 31 मान समूह लग्न योजाया। लखपत तालुका कड़वा पाटीदार समाज द्वारा 31 मान समूह लग्न योजाया। आ समूह लग्न मां बार नवदंपति ए प्रभुतामा पगला मांड्या, जेमा सौ प्रथम वरराजाना मांडवा त्यार बाद कन्याना मांडवा योजाया हता। तेमज मांडवा बाद वाजते गाजते गामनी मुख्य बजार माथी समूह लग्न मंडप सुधी फूलिको काढवामा आव्यो हतो। तेमज समूह लग्नविधि आचार्य प्रफुल्लचंद्र त्रिपाठी ए करावी हती। आ कार्यक्रम में अखिल भारतीय कच्छ कड़वा पाटीदार समाजना प्रमुख अबजीभाई विश्रामभाई कानाणी, उपप्रमुख भाणजीभाई पोकार, माजी प्रमुख रामजीभाई नाकराणी, ट्रस्टी गोपालभाई भावाणी, केन्द्रीय महिला संघना प्रमुख श्रीमती जशोदाबेन नाकराणी, मंत्री रमीलाबेन रवाणी, अनुराधाबेन, सभ्य कांताबेन पटेल, कमलाबेन लीवाणी, तेमज लखपत तालुका समाजना प्रमुख कांतिभाई लखमशीभाई लीवाणी, महामंत्री नानजी भाई शिवजी भाई वाडिया, तेमज खानुंबा सोढ़ाए सात फेरा कुनवरबाई नु मामेरु मान लाभ लेवा विनंती करी हती। तेमज अबजी भाई कानाणी ए जणाव्यु हतु के लखपत तालुका कड़वा पाटीदार समाज मा ए के छूटक लग्न थया नथी समाज ने शुभकामना पाठवी हती। नवदंपतिओ ने आशीर्वचन आप्या हता। तेमज महिला संघना प्रमुख जशोदाबेन नाकराणीए नवदंपतिओ ने आशीर्वचन आपता जणाव्यु हतु के सुख दुखमा साथे रहेजो माता पिता ना संस्कार मळ्या छे। गोपालभाई भावाणीए तेमज नानजी भाई वाडियाए जणाव्यु हतु के 31 वर्षथी समूह लग्नमां 998 दीकरीओने विदाय आपी छे। तेमज जेयारे 2015 मां मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल हता त्यारथी अने आज दिन सुधी दीकरी वधामणानो कार्यक्रम शुरू करवामां आव्यो छे अने आजे पण जन्मेली दीकरीने सन्मान पत्र आपी सन्मान करवामां आव्यु हतु। तेमज लखपत तालुका कड़वा पाटीदार समाजना प्रमुख कांतिभाई लीबाणीए जणाव्यु हतु के कोरोनामां आपणे समूह लग्न करी शक्या नहीं। गया वर्षे सरकारश्रीनी गाइडलाइन प्रमाणे 25 जणाना मर्यादित समूह लग्न कर्या हता, पण आ वर्षे धामधूमथी समूह लग्न करवामां आव्या। अने आपणा जीवनमां खराब विचार होय तो एने काढी नाखजो अने सारा विचार होय एने राखजो। तेमज न्यूज 11 गुजरातना प्रतिनिधि दर्शनभाई सोनीनो शाल ओढाडीने सन्मान करवामां आव्यु हतु। कार्यक्रमनु संचालन नानजी भाई वाडिया, मोहन भाई पारसिया, जयंती भाई पारसिया, मनसुख भाई पारसिया, तेमज आभार विधि रजनीकांत भाई वाघड़िया ए करी हती। स्टोरी बाय दर्शन सोनी, न्यूज 11 गुजरात, दयापर।